अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लाई हूँ ग्रेप सोडा की इजी सी एनर्जी बूस्टर रेसिपी। बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी सी ये ड्रिंक बनकर तैयार होगी। मार्केट में ये पिंक ग्रेप्स आए हैं तो सोचा इसका एनर्जी बूस्टर आपको बनाकर दिखाया जाए। इसका जायका जो है वो तुच्छ नहीं होता, बल्कि ये मीठे होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसे बनाया जाए और बच्चे और बड़े इसे आसानी से पी सकें। ये इंग्रेडिएंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ये 2 ग्लास ऑफ ग्रेप सोडा के लिए हैं। ये एक एक दाना बिल्कुल अलग करने के बाद ये मेरे यहाँ पर बन गए हैं। 300 ग्राम्स जो हैं वो ग्रेप्स हैं, पिंक वाले मैंने लिए हैं। इससे कलर जो है हमारे एनर्जी बूस्टर का बहुत ही ब्यूटीफुल आएगा। यहाँ पर मैंने लिया एक जूसर ब्लेंडर का जग, और इस जग के अंदर मैंने ये अपने 300 ग्राम्स जो हैं अंगूर पिंक वाले वो ऐड कर देने हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है 1 ग्लास पानी, ये मैं ऐड करूँगी। और इन दोनों चीजों को मैंने 1 मिनट के लिए अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अंगूर का और पानी का मिक्सचर जो है वो अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, तो यहाँ पर मैंने लिया है एक जग और एक स्ट्रेनर, जिसमें से मैंने इसे पास आउट करना है, क्योंकि ग्रेप्स जो है वो 100% जो है वो ब्लेंड नहीं होता। इसके अंदर इसके छिलके जो है वो रह जाते हैं। तो देखिए, माशाल्लाह से ग्रेप्स का कलर जो पिंक था, उसकी वजह से ये एनर्जी बूस्टर बहुत ही मजेदार सा बनने वाला है। ये जो है जरात और गुठली जो है वो इसकी वो आपने जाया कर देनी है। लीजिए, ये ग्रेप्स जूस जो है वो मेरा बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी पी सकते हैं, ये बहुत ही हेल्दी जूस है, लेकिन मैंने इसका बनाना है सोडा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने दोबारा से लिया है जूसर ब्लेंडर का जग, जिसमें मैंने ये जो ग्रेप्स का जूस बनाया है ये मैंने डाल देना है। यहाँ पर मैंने साथ ही लिया है वाइट सोडा, 7 अप, स्प्राइट, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। 1 ग्लास आपने ये डाल देना है। साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है 2 चम्मच जो है वो चीनी के, 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर काला नमक और काली मिर्ची जो है वो मिक्स कर ली है, वो डाल देंगे। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर पुदीने के पत्ते लिए हैं, वो जाएंगे इसके अंदर। इससे जो है वो फ्लेवर जो है वो डबल हो जाएगा। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लेमन जूस लिया है, वो डाल देंगे। आइस क्यूब्स को मैंने यूज नहीं किया क्योंकि मौसम ऑलरेडी ठंडा है। अगर आपको आइस क्यूब्स रिक्वायर्ड हैं तो आप इसी स्टेप में आइस क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैंने इन इंग्रेडिएंट्स को दोबारा से 1 मिनट के लिए ब्लेंड करना है। ग्रेप सोडा एनर्जी बूस्टर मेरा रेडी है, इसे हम सर्व आउट करते हैं। लीजिए, ग्रेप सोडा 100% रेडी है। आप इसे सर्व कीजिए स्ट्रॉ के साथ, जग में, ग्लास में। बहुत ही मज़ेदार सी, फिजी सी ये ड्रिंक की रेसिपी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाजमी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी मज़ेदार सी नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।